अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कासले अतारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अतारी आर्ट्स। जी फ्रेंड्स, ये एक मैंने नया डिज़ाइन तैयार किया है। ये आयल ट्यूब के साथ डिज़ाइन तैयार करेंगे, तो आप भी पूरी वीडियो देखिए ताकि पूरी समझ आए और आप डिज़ाइन बनाना भी सीख सकें। अगर इसमें कोई मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो वो पूरी वॉच कीजिएगा। सबसे पहले आपने बेस लगाने के बाद तीन चार कलर ट्यूब ऑयल ट्यूब जो कलर लेने हैं आपने, तो उसके बाद जो अच्छी तरह इसको अप्लाई कर लेना है। मिट्टी के तेल में बनाएंगे थोड़ा सा, सारे अलग अलग कलर लगा के, तो उसको जो आपने पहले मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो है ना, इस तरह जो मैंने स्पंज के साथ या मलमल के साथ जैसे मैं ठप रहा हूँ इसके, ऐसे ही आपने करना है। तो उसके बाद जो है आप एक मलमल कपड़े का रोल बना लेंगे, या मेडिकल स्टोर से भी आपको ये अवेलेबल होता है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो इसके साथ आप इसको ये यूँ घुमाएंगे कि ये डिज़ाइन अच्छे तरीके से बन जाएगा। पहले आप इसका छोटा छोटा स्टेप बनाएंगे। ये मुकम्मल हो जाने के बाद आपको आगे भी दिखाते हैं ये क्या कैसे बनता है। ये ऐसे तैयार हो जाए जैसे एक डिस्क होती है, वो यानी कि डिस्क टाइप ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। अब ये एक जो इसका लेवल था वो मुकम्मल हो चुका है, और उसके बाद आप दोबारा इसको रिप्लेस करेंगे। थोड़ा सा इसको बढ़ा के इसको आपने घुमाना है। थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के जो के नीचे वाला डिजाइन है वो भी थोड़ा थोड़ा नजर आए। जो इसके आगे स्टेप हो वो भी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा ताकि आपको इजीली आपको समझ आ सके। ये देखिए ये कितना ब्यूटीफुल बन चुका है। और इसके बाद जो नेक्स्ट अगला स्टेप है वो भी आपको दिखाते हैं। ये आपने रेड ट्यूब लेके इसको अपने अंगूठे के साथ अपने थोड़ा थोड़ा इसको टच देना है। जो इसकी स्टार्टिंग है यहाँ से, वहीं आपने रेड का टच लगाना है। इसमें आपने ऑयल नहीं डालना, प्योर ट्यूब को लेके इसमें आपने अंगूठे पे टच लगा के उसको अप्लाई करना है। ऐसे हल्के हल्के से टच देने हैं। इसके बाद जो है आपने जो यहाँ रेड हमने एडजस्ट किया है उसके साइड से आपने कोई भी रबर की कोई चीज़ ले लेना, फुटबॉल हो या कोई भी ऐसी चीज़ ले लें, वो भी आपको दिखाते हैं। इससे आगे वाला स्टेप जो है वो भी आप पूरा देखिएगा। ये देखें, इसके सर्कल बाहर की तरफ आप सर्कल लगा देंगे वाइट शेप में। आप एक रबर या फुटबॉल वगैरह लेकर उसके साथ आपको इसको घुमाएंगे तो ये वाइट शेप नीचे से निकल आएगी। वीडियो में अगर कोई डिज़ाइन में कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ हमारी रहनुमाई भी किया करें,
कमेंट में कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोई आइडिया नया हो तो वो भी आप दे सकते हैं। जी फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का नया डिज़ाइन। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।